बी स्टूडेंट्स जो बिहार पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स हिंदी का वो हो बहु आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछेगा फ्रेंड्स। और हर रोज जो है आपके लिए वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, सभी वीडियो को देखिए और मैं 100% आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है जरूर सफल होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो में सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि चरण कमल कौन सा समास है। आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रश्न है कि चरण कमल कौन सा समास है, तत्पुरुष, क्रमधार है, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स 16 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमधार है समास है। अगला क्वेश्चन है जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंश का विशेषण क्या होगा, बताइए जी अंश का विशेषण क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अंश का विशेषण आंशिक होता है। अगला क्वेश्चन है नवग्रह कौन सा समास है, बताइए 19 का फ्रेंड्स नवग्रह कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना शानदार शानदार प्रश्न लिया गया आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप भला दुनिया भली, आप भला तो दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण बताइए, आप जो सर्वनाम है वो किसका उदाहरण है। तो सही जवाब हो जाएगा जी निश्चय वाचक का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी बताइए। 21 कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शिकायत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं, मेघनाथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, बताइए निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी शब्द है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड्स, आत्मा। अगला क्वेश्चन है कि दाल भात में मुसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड्स, बिना मतलब दखल देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 25 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्वत लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शब्द शक्तियों की संख्या, शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है। तो 26 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन है, शब्द संख्या शक्तियों की संख्या तीन है। अगला क्वेश्चन है उपमा अलंकार का उदाहरण, बताइए उपमा अलंकार उदाहरण है, इनमें से कौन उदाहरण फ्रेंड्स। 27 का ऑप्शन नंबर होगा चंद्रमुख। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदेव। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा गीतांजलि पर। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स पढ़ेंगे, अगला वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।